यूँ तो हमारे यहाँ मासिक धर्म से संबंधित सारी चीज़ें जैसे पेड़, डस्टबिन, साबुन इत्यादि पहले भी मिलता था, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल रूम नहीं था और इंसिनेटर मशीन नहीं था। लेकिन आज हमारे मैम के सौजन्य से यह भी हमें प्राप्त हो गया। यूज करा हुआ पेड़ रहता, हम इसमें ऐसे डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा स्विच है और हम इसको ऐसे ऑन कर देते हैं और जब ये 10-15 मिनट के बाद जल जाता है तो ये जो बल्ब है हमारा ग्रीन कलर का बल्ब, ये ऑफ हो जाता है और हम समझ जाते हैं ये जल गया है। इसका जो कचरा होता है ये स्ट्रीम आ जाता है, हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। शिक्षा और बिल्डिंग के अलावा अपने बच्चियों, अपने स्टूडेंट के लिए स्वच्छता का पूरा ख्याल रखे हैं, उसी के अंतर्गत हम ये पिंक रूम का निर्माण किए हैं जो बच्चियों के मासिक धर्म से संबंधित है। ये जो पीरियड्स का समय है उसके लिए उनको टेंशन नहीं रहे जो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से कपड़े लूँ, कहाँ से पैड लूँ, ये सब चीज़ व्यवस्था करके इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल प्रखंड के आदर्श विद्यालय तरवन्ना में हूं और आप देख सकते हैं इस विद्यालय ने, चूंकि पूरे राज्य में यह चर्चित विद्यालय है और कुछ दिन पहले ही पूरे राज्य में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस विद्यालय को पुरस्कृत भी किया गया है और इस विद्यालय ने एक नई शुरुआत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक रूम की शुरुआत। बता दूं कि यह एक बहुत बड़ी पहल है, एक सराहनीय प्रयास, लड़कियों के शिक्षा के लिए यह एक ऐसा प्रयास है कि जो उनके शिक्षा को आबाद रखेगा। क्योंकि पीरियड के दौरान लड़कियां जो शर्माती हैं या स्कूल नहीं आ पाती है किसी कारण, बस वो पठन पाठन से वो दूर हो जाती हैं जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है, तो उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो सामान्य ढंग से वह अपने पढ़ाई को जारी रख सके, इसलिए अब इस विद्यालय ने एक प्रयास किया, पिंक रूम की शुरुआत की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीरियड के दौरान लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो यहां आएंगे और पैड का इस्तेमाल कर सकेंगी और अपने पैड को चेंज भी कर सकेंगी। ये तमाम चीज़ें आपको बता दूं कि उसी लिए ये पिंक रूम बनाया गया है। इस आदर्श विद्यालय तरवन्ना की प्रधानाध्यापिका हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनकी पूरी टीम को और उनकी सोच को, और हमें लगता है कि आने वाले समय में उनका यह नवाचार, उनकी यह नई सोच दूसरे अन्य विद्यालयों में और शिक्षण संस्थानों में भी देखने को मिलेगी। तो इसकी शुरुआत आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना ने की है। साहेबपुर कमाल प्रखंड का यह विद्यालय पूरे राज्य में अपने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए और अनुशासन के लिए जाना जाता है और कुछ दिन पहले इसे सम्मानित भी किया गया है। तो आइए चलते हैं और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप देख सकते हैं आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना साहेबपुर कमाल पिंक रूम का शुभ उद्घाटन जो आज यहाँ हुआ है। उद्घाटनकर्ता श्रीमती अनामिका कुमारी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो भी आज इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, इस विद्यालय के बारे में जो भी काफ़ी चर्चा है पूरे राज्य में, इस विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसको सम्मान दिया गया है और एक नई पहल, एक नई सोच, चूँकि बेटियों की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पहल प्रयास है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो विभा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने लड़कियों के लिए इतना अच्छा सोच कायम किया, इतना अच्छा सोच बच्चियों के लिए, क्योंकि एक समय था जब बच्चियाँ मासिक धर्म के कारण ये तो शर्माती थी और गंदे कपड़े यूज करती थी या विद्यालय नहीं आती थी, जिस कारण पढ़ाई भी बाधित होता था और स्वास्थ्य के में उनका डिटोरिएट करता था। मगर ये जो सोच इनका रखा है, इन्होंने जो ये सोच के कारण ये काम किया है, इससे इतना बढ़िया हुआ कि जो बच्चियाँ अब अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो समझने लगी हैं कि जैसे शौचालय है, सुबह दिन में दो बार लोग पोटी जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उस तरह ये महीने में 5 दिन का यह नेचुरल क्रियाकलाप है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है और इसमें साफ सफाई रखना जरूरी है। जो ज्ञान इन्होंने बच्चियों को दिया है, ये बच्चियाँ आज अपने लिए, घर जाके अपनी माँ के लिए, अपनी भाभी बहन के लिए और भविष्य में अपने बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा सोच रखेंगी और बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। जो मैडम विभाग जी ने एक शुरुआत की, दूसरे अन्य विद्यालय के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगी, खासकर साहेबपुर कमाल प्रखंड के? मैं साहेबपुर कमाल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के सभी विद्यालय के शिक्षिकाओं को या शिक्षक को भी ये कहूंगी कि जैसे ये किए हैं, ये एक आदर्श के रूप में स्थापित किया और इसको हर स्कूल में लगाना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी लड़कियाँ हैं उन्हें ये समस्या, हम भी लड़की थे, हम भी स्कूल पढ़ते थे, उस वक्त विभा जी जैसे हमारे भी कोई HM नहीं थे जो ये मजबूरी हम लोगों की समझे, तो आज ये सोच देख के अच्छा लगता है कि काश यह चीज़ हर विद्यालय में होता और मैं आशा करूंगी कि हर विद्यालय के में एक रूम
लड़कियों के लिए हो, जहाँ पे लड़कियाँ खुल के अपनी बातें रख सके, अपना ये जो पीरियड्स का समय है उसके लिए उनको टेंशन नहीं रहे, जो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से कपड़े लूँ, कहाँ से पैड लूँ, ये सब चीज़ व्यवस्था करके इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किया है। विद्यालय की जो शिक्षा समिति है उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? विभा कुमारी। मैडम की जो शुरुआत है, मैंने एक नई सोच के साथ लाया है, क्या कहना चाहेंगे इस सोच? ये अच्छी बात है, हम लोग सोच रहे थे पहले से कि ये चीज़ हम लोग को समय में नहीं था, मगर अब नया हो गया है। हम लोग बहुत खुशी खुशी से हम लोग बच्चा के सुविधा दे रहे हैं। विभा रानी हमारे तरफ से बहुत खुश खुश रहे, मैडम के बहुत धन्यवाद। तो जिनकी ये सोच थी और जिनका यह आदर्श सोच इस विद्यालय को इस मुकाम पर लाया है कि यह विद्यालय पूरे राज्य में अपनी पहचान के लिए जाना जा रहा है, हम सैल्यूट करना चाहेंगे इस विद्यालय की आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विभा रानी जी को। मैडम दिल से सैल्यूट इस नई सोच के लिए, इस नवाचार के लिए, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं आज पिंक रूम के बारे में बात करने से पहले अपने बारे में और इस विद्यालय के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब मुझे इस विद्यालय का चार्ज मिला था, उस वक्त यह 7-8 कमरों का खपराइल मकान हुआ करता था, और जिस वक्त मुझे यह चार्ज मिला इस विद्यालय का, उस वक्त हमसे करीब 7 टीचर सीनियर हुआ करते थे, लेकिन सहमति मेरे ही नाम की बनी, सीनियर लोगों के नाम की सहमति नहीं बनी। उस वक्त इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि जो सीनियर हैं उन्हीं को प्रभार लेना है, तो मुझे प्रभार दिया गया। तो मैं उसी वक्त, जिस वक्त मैं 7 सीनियर के रहते हुए इस विद्यालय का चार्ज ली, मैं मन ही मन प्रण की कि सभी के विश्वास पर, जो सभी मिलकर के हमारे सीनियर्स हमारे ऊपर विश्वास किए हैं कि हम इस स्कूल को आगे ले जाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और इस विद्यालय को हम आदर्श विद्यालय बना करके रहेंगे। तो जब कहा जाता है कि सोच जैसी होती है तो हम उस पथ पर चलते हैं और परिणाम हमें धीरे धीरे मिलने लगती है, तो वही मेरे साथ हुआ। 7 कमरों का जो खपरेल मकान था, आज आप देख सकते हैं कि यह 3 मंजिला बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो अभी आप बिल्डिंग और शिक्षा जब इस विद्यालय को हम दे दिए, तो सन 2012 में हमारा विद्यालय जो है, हमारी सोच जो है सही मुकाम पर पहुंच गई और सन 2012 में ये हमारा विद्यालय जो है आदर्श विद्यालय बन करके उभर गया। उसके बाद जब आदर्श विद्यालय बनने के बाद मैं स्वच्छता के प्रति काम करना शुरू की। मेरा ये सोच था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और हमारे देश के भविष्य जो है यहाँ पर अपना भविष्य बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बिल्डिंग और शिक्षा के सिवा के अलावा स्वच्छता से संबंधित बहुत सारा काम हम किए हैं, जिसके लिए अभी आप पहले ही बता चुके हैं कि हमें उसके लिए राष्ट्रीय बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमारे यहाँ स्वच्छता को लेकर के हम आरओ मशीन लगवाए हुए हैं, वाटर कूलर लगवाए हुए हैं, थाली धोने का हम प्लेटफॉर्म बनवाए हुए हैं जो MDM बच्चे खाते हैं, हर एक लड़का और लड़की के लिए अलग शौचालय है जो नल से युक्त है, सभी के आगे बेसिन लगा हुआ है जो जिस पर हर वक्त साबुन मौजूद रहता है। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास जितना बड़ा बिल्डिंग है, कैंपस है, उतना ही हमारे पास ज़मीन है, उसके अलावा हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो हमें एक शौक भी है और बच्चों के सेहत का ख्याल भी है, तो कि हमारे बच्चे को हर चीज़ सेहत से भरपूर मिले और जो मिले वो स्वास्थ्यवर्धक हो। हम लोग देखते हैं कि अभी बाज़ार में जो साग सब्ज़ी मिलती है वह कीटाणु नाशक उसमें डाला हुआ रहता है, जो कहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेहत को नुकसान भी कर रहा है, फ़ायदा तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी कर रहा है। तो हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल के छत पर हम किचन गार्डन बनवाए हुए हैं, जिसमें हम तरह तरह की सब्जियाँ लगवाए हुए हैं और उस सब्जी से हम बच्चों को MDM करवाते हैं, वहाँ भी हम बच्चों के सेहत का ख्याल और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि सूखा कचरा और गीला कचरा जो हमारे किचन से निकलता है, तो गीले कचरे से हमारे बच्चे कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं और उस कंपोस्ट खाद को किचन गार्डन में डालते हैं, जिससे कि ताज़ी ताज़ी सब्जियां निकलती, यानी कि वो कहीं से नुकसानदेह नहीं है, वो हर मामले में सेहत से भरपूर है। तो
स्वास्थ्य के स्वच्छता के प्रति हम बहुत सारा काम किए हैं, तो इसी के अंतर्गत एक कदम और बढ़ाते हुए हम पिंक रूम का निर्माण किए हैं। और पिंक रूम के निर्माण से पहले भी हम बच्चियों को महामारी से संबंधित पैड, डस्टबिन, साबुन वगैरह जो होता था वो उपलब्ध करवाते रहे हैं, लेकिन परेशानी यह होती थी कि बच्चियां जो है वो हम अपने पास रखते थे तो बच्चियां मेरे पास जाने में हिचकिचाती थी, शर्माती थी। जाहिर है ये कुछ ऐसा हम लोग का बना हुआ है शुरू से, तो शर्म लगती थी। तो हम मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं उसके लिए एक, जब हम सब चीज़ अवेलेबल करवा ही रहे हैं तो उसके लिए हम क्यों नहीं एक स्पेशल रूम की व्यवस्था करवाएं जहां पर वो खुद जाएं, खुद अपना सामान लें, खुद यूज करें। और वहां पर एक हम मशीन भी लगवा देते हैं जहां पर वो खुद यूज किया हुआ पैड को डिस्ट्रॉय भी कर देंगी और तो उनको फेंकने की भी समस्या नहीं रहेगी। और वो उनकी जो शिक्षा, इस कारण से शिक्षा बाधित होती थी, बहुत सी लड़कियाँ 2-4-5 दिन पढ़ाई बाधित करती थी क्योंकि उस समय में जाहिर है परेशानी होती है, तो उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और हमारी बच्चियों जो हम तक पहुंच पाती थी, बहुत सारी लड़कियां हम तक पहुंच नहीं पाती थी। तो हम अपने विद्यालय में शिक्षा और बिल्डिंग के अलावा अपने बच्चियों, अपने स्टूडेंट के लिए स्वच्छता का पूरा ख्याल रखे हैं, उसी के अंतर्गत हम ये पिंक रूम का निर्माण किए हैं जो बच्चियों के मासिक धर्म से संबंधित है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम चाहेंगे जो मासिक धर्म को लेकर के जो झिझक है, बेटियों से माँ बात नहीं करना चाहती है या लड़कियों को उस तरह से जो उनके अंदर एक झिझक शर्म होता है, तो इसको लेकर के, इस विषय को लेकर के क्या मैसेज होगा? किसी को इसमें एक नेचुरल क्रिया है, हम सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये भी वो पर डे का काम है, जब उसमें हम झिझकते नहीं हैं, हमको उसमें शर्म हया नहीं है, तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है जो महीना में 4-5 दिन वो आएगा ही, तो इसमें झिझकने और शर्माने की बात नहीं है। और हम अपनी उस माँ को भी संदेश देना चाहते हैं कि जो इसके बारे में अपनी बेटियों को नहीं बताए, जाहिर है वह बेटियाँ भी उसके उस कारण से वह स्वच्छता को नहीं अपनाएंगी क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, तो कल वह संक्रमित हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, तो फिर परेशानी किसे होगा, उनके गार्जियन को भी होगा। इसीलिए हम अपने अभिभावक से आग्रह करते हैं कि वो खुल करके अपनी बच्चियों को इसके बारे में बताए कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस मतलब इतना है कि वह अपने उस समय में जितना हम स्वास्थ्य का ख्याल अन्य डे रखते हैं, उससे ज़्यादा हमें उन दिनों में अपने सेहत का ख्याल रखना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। और इसी के क्रम में आप हमारी बच्चियां, एक आपको बताई कि हम कपड़ा से बनाया हुआ पैड जो है बना करके लाते हैं, तो हम अभी विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर हम इन लोगों को खुद से प्रशिक्षण दिए कि आप जो है घर में उपलब्ध सूती कपड़े से किस तरह से पैड बनाइएगा, उसे धोना है डिटॉल के पानी में, फिर डालना है, फिर उसको अच्छे से धूप में सुखाना है, फिर उसे आपको पैड बना करके यूज करना है। हमारी बच्चियां को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो तो खुद यूज करती ही हैं। जब हम पिंक रूम का निर्माण किए हैं तो उन लोगों का सोच को हम सैल्यूट करते हैं कि उन लोगों का यह एक सोच कि हम स्कूल में मैडम तो खरीद के लाती हैं मार्केट से, तो हम लोग घर में बनाया हुआ सैनिटरी पैड भी स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे और वह आए दिन हमें ही काम देगा। तो वह अभी आप देखे होंगे कि हमारी बच्चियां सूती कपड़े से सैनिटरी पैड बना करके हमारे विद्यालय को उपलब्ध करवाई हैं और जिसको आगे यही लोग उपयोग करेंगे, तो हम अपने बच्चियों को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विभा रानी जी को। हम चाहेंगे तमाम पेरेंट्स से, और जो हम सुन पा रहे हैं कि ये जो माहवारी जो है यानी पीरियड जो है या नेचुरल है, हमें इस विषय पर सबको जागरूक करना चाहिए और हर अभिभावक को चाहिए कि इस विषय को लेकर के वो अपनी बेटियों का साथ दे, उनसे बात करे। और जो पीरियड का टाइम होता है उसमें मेंटली लड़कियां थोड़ा सा परेशान होती है, तो हमारा यह फ़र्ज बनता है कि हम उनको अपना साथ दें, उनके साथ मजबूती से खड़े रहें, उनको जागरूक करें और इन बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इस सोच के लिए पुनः एक बार मध्य आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना को थैंक्स, पूरी टीम को थैंक्स, बच्चों के अभिभावक भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। कहाँ से हैं आप? पंचवीर से हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम की इस सोच को, जो एक नई पहल पिंक क्लास जो लड़कियों के लिए है?
मैडम जो किए हैं से बच्चे के लिए बहुत अच्छा किए हैं, भी अच्छा होगा स्कूल में, बच्चा कहने में ठीक रहेगा और अपना शर्माएगी, संकोच नहीं करेगी, पीरियड के दौरान भी पढ़ पाएगी, हाई स्कूल आ सकती है। पूरे गार्जियन की तरफ से मैडम जी को धन्यवाद करते हैं। कुछ और स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैडम का यह प्रयास, चूँकि आप लोग अभिभावक हैं और आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो मैडम की सोच को पूरे विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं निगरानी समिति का सदस्य हूँ इस आदर्श विद्यालय का। मेरा नाम MD मोहम्मद इमामुद्दीन है। मैं पचबीर का निवासी हूँ। पिन के विषय में मैं, हमारे टाइम में हमारी बच्ची अभी जो पढ़ रही हैं उनके लिए मैं अपनी ओर से, इस विद्यालय की ओर से, मैं अपने ग्रामवासियों की ओर से विभा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह काम आज नहीं, बरसों पहले होना चाहिए। मैडम जी का हम लोगों के ऊपर उपकार है कि आज हमारी बेटी को जो परेशानी होती थी, हमारी बेटी को पढ़ाई में जो बाधित होती थी, आज हमारी बेटी शान से, शौकत से यहाँ आएगी, पढ़ेगी। कोई पीरियड हो, उनको कोई किस्म का यहाँ कष्ट और दिक्कत नहीं होगा। मैं इनके लिए मैडम को धन्यवाद देता हूँ। मैं सैफपुर कमाल का निवासी हूँ। मेरा नाम फुलेश्वर शाह है। इस काम को लिए बहुत अच्छा विभा मैडम ने, विभा रानी ने किया, अच्छा ही रहेगा। विभा रानी को धन्यवाद। जो मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि ये नेचुरल है, हर महिलाओं के साथ, जो एडल्ट महिलाएं होती हैं, हर महिलाओं के साथ हर महीने के 5 दिन, बहन बेटियों के जो हर महीने के 5 दिन जो होते हैं वो पीरियड्स के दिन होते हैं, और इस दिन वो पढ़ाई से दूर ना हो, उन्हें लगातार पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए या उनके लिए समुचित व्यवस्था हो या पिंक रूम, उसकी एक शुरुआत है। हम इन बेटियों से बात करेंगे। बाबू, नाम क्या है तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो आप? 7B में। 7B में पढ़ते हैं। आज जो काम मैडम ने किया, आपके विद्यालय में एक शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं क्लास 7B में पढ़ती हूँ। आज पिंक रूम को पाकर हम सभी बहुत खुश हैं। यूँ तो हमारे यहाँ मासिक धर्म से संबंधित सारी चीज़ें जैसे पेड, डस्टबिन, साबुन इत्यादि पहले भी मिलता था, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल रूम नहीं था और इंसिनेटर मशीन नहीं था, लेकिन आज हमारे मैम के सौजन्य से यह भी हमें प्राप्त हो गया। आज हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे लिए, हमारे विद्यालय में हमें वह चीज़ भी मिल रही है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हम सब बहुत खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं क्लास 8B में पढ़ती हूँ। अभी कुछ दिन पहले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता के दिवस पर मैम ने हम सभी को घर में उपलब्ध सूती कपड़े से सैनिटरी पैड बनवाने का प्रशिक्षण दिए थे। उस प्रशिक्षण के बाद हम सब अपने घर में सूती कपड़े का सैनिटरी पैड बनाकर उसका उपयोग करते हैं। जब हमको पता चला कि मैम ने हमारे लिए, हमारे सुख सुविधा के लिए पिंक रूम का निर्माण किया है, तब हमने सोचा कि क्यों नहीं पिंक रूम में भी सूती कपड़े का बना सैनिटरी पैड का उपलब्ध करना चाहिए, और ऐसा हमने किया भी है। ये रहा हमारा सूती का बना सैनिटरी पैड। बताइए, घर पर हम लोगों ने मिलकर बनाया है इस सबको। हमारे साथ कुछ अन्य बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दीपा कुमारी। क्या कहना चाहोगी? इट्स ट्रूली अप्रिशिएट मेथड दैट आवर प्रिंसिपल मैम एस्टैब्लिश ए माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हाइजीन एंड गर्ल चाइल्ड हेल्थ, और द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसिनेटर मशीन इन द पिंक रूम इज हेल्प टू इम्प्रूव गर्ल चाइल्ड हेल्थ इशूज, थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम दैट फॉर लाइफ चेंजिंग एफर्ट्स गिव अस। थैंक यू। ये इंसिनेटर मशीन है, ये कैसे काम करता है हम आप लोगों को बतला रहे हैं। ऐसे ही इसका गेट लगा रहता है, हम इसको ऐसे करते हैं, ये खुल जाता है। इसके बाद जो हमारा यूज करा हुआ पेड रहता है, हम इसमें ऐसे डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा स्विच है और हम इसको ऐसे ऑन कर देते हैं, और जब ये 10-15 मिनट के बाद जल जाता है तो ये जो बल्ब है हमारा ग्रीन कलर का बल्ब, ये ऑफ हो जाता है और हम समझ जाते हैं ये जल गया है। इसका जो कचरा था ये स्ट्रीम आ जाता है, हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं इस विद्यालय में इंसिनेटर मशीन भी लगाए गए हैं। इस्तेमाल के बाद जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसको मशीन में ही जलाने के लिए जो इंसिनेटर मशीन लगाया गया है, यह एक नई सोच है। और इस तरह की सोच हम कह सकते हैं पहली बार मुझे यह देखने को मिल रहा है कि किसी सरकारी विद्यालय, या यूं कहे कि किसी विद्यालय में यह पहला होगा प्रयास, यानी यह एक सराहनीय प्रयास है। और हम इसके लिए पूरे विद्यालय को, पूरे विद्यालय प्रबंधन को और उनकी टीम को थैंक यू कहना चाहते हैं अपनी संपूर्ण टीम की ओर से। हमारे साथ इस विद्यालय के शिक्षक हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रेमजीत कुमार है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शिक्षक और शिक्षा
ये समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए ही बने होते हैं और हमारा विद्यालय आदर्श मध्य विद्यालय है। मैं यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षक हूँ और करीब 6 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ और निरंतर ये देख रहा हूँ कि यहाँ विद्यालय स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बच्चियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जितना हर संभव प्रयास हो सकता है वो यहाँ के हमारे जो प्रधान अध्यापिका विभा मैम हैं उनके द्वारा और उनको सहयोग देते हुए हम सब ने हर संभव प्रयास किया है कि हमारा विद्यालय हर हमेशा उन्नति करे और पूरे बिहार में हमारे विद्यालय का नाम हो। और एक बार ये मैसेज जो हम आज जिस उद्देश्य से यहाँ खड़े हैं, पिंक रूम या इंसिनेटर मशीन है ना, जिसे हम सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन कहते हैं, इसकी उपयोगिता के बारे में बात कर लें तो ये जो बात है मैटर बहुत टैबू का है, इस पर लोग शर्म महसूस करते हैं, इस पर बातचीत से लोग झिझकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन चीज़ों पे भी बात करें क्योंकि ये मानवीय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। अगर हम इस चीज़ को दरकिनार करते हैं, पीछे छोड़ते हैं तो फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन में बच्चियां आगे अब हम देख सकते हैं कि वो सेना में या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल कई क्षेत्रों में आगे बढ़कर सब चीज़ों का सामना कर रही हैं तो ये उनके लाइफ में कहीं एक कमी ना रह जाए, कहीं एक छोटा हिस्सा उनको इन चीज़ों से बचाने या छिपाने के लायक नहीं रह जाए, इसलिए इस मुद्दे पर काम करना बहुत आवश्यक है। और एक बार फिर से मैं विभा मैम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उनके इस सोच को मेरी तरफ से एक सलामी, धन्यवाद। थैंक यू सर, सर ने बिल्कुल सही कहा। कुछ और शिक्षक हमारे साथ, सर नाम जाना चाहेंगे आपका? मेरा नाम अनुपम कुमार है, मैं नवनियुक्त शिक्षक आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना। यह बहुत ही अच्छा काम किया गया है मैम के द्वारा, और जिस समय मैं इस विद्यालय में पढ़ा करता था उस समय ये व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, मेरी बहना या जो भी लड़कियां होती थी शर्म के मारे 5 दिन कम से कम स्कूल नहीं आती थी, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। और मैं देखा करता था कि जो लड़कियां इस पीरियड से गुजरती थी उसके कपड़े में दाग लग जाते थे, रास्ते में जब जाते थे तो कुछ लड़के जो होते हैं हाँ कमेंट करते थे, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता था, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। तो यह नई व्यवस्था हमारे विद्यालय में की गई है, इसके लिए मैम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई घटना लड़कियों के साथ बाहर में इस तरह का कमेंट कोई किसी को करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं और तमाम विद्यालयों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था आप लोग भी विद्यालय में करें ताकि हमारी बहनें को इस तरह की शर्मिंदगी का महसूस नहीं करना पड़े, इसके लिए धन्यवाद। तो जिनके लिए ये व्यवस्था की गई पिंक रूम की, संयुक्त रूप से इन्होंने अपने विद्यालय की तमाम बच्चियों की ओर से अपनी बात रखी, मैडम को थैंक्स किया। आप देख सकते हैं माहवारी का उचित प्रबंधन किशोरियों एवं महिलाओं के लिए, यानी पीरियड्स का उचित प्रबंधन किशोरियों एवं महिलाओं के लिए, एक दिन में कम से कम 3 बार सैनिटरी नैपकिन को बदलें, इससे प्रजनन तंत्र संक्रमण का बचाव होता है। सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करें, माहवारी से संबंधित यानी पीरियड से संबंधित कोई स्वास्थ्य परेशानी हो तो डॉक्टर्स की सलाह लें। माहवारी से जुड़ी सही और जानकारी जीआरसी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या स्कूल शिक्षक शिक्षिका से प्राप्त करें। इस्तेमाल के बाद सैनिटरी नैपकिन को इंसिनेटर मशीन में ही जलाएं, अगर उपलब्ध नहीं हो तो कागज में लपेटकर कूड़ेदान में ही फेंकें। आयरन युक्त आहार का सेवन करें। नैपकिन बदलने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। तो यह हर बहन बेटी और महिलाओं को जानना चाहिए, चूंकि इस पर लोग बात नहीं करते, या एक ऐसा विषय है लोग जिस पर बात करने से झिझकते हैं। तो हम अभी आए हुए थे आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना साहेबपुर कमाल, जहां पर आज पिंक रूम का शुभ उद्घाटन हुआ, दिनांक 25 अगस्त 2022, और आज का यह दिन पूरे जिले में ही नहीं पूरे बिहार के लिए यादगार हो गया। मैं बता दूं कि काम बोलता है और आपकी पहचान आपके काम से होती है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मल ड्रेस, ये सर के गले में लगा ये आईडी कार्ड, और सर के साथ साथ मैडम को भी देख सकते हैं या इन बच्चियों को देख सकते हैं जिनके गले में जो आईडी कार्ड है उनका जो यूनिफॉर्म है, और विद्यालय की पहचान उसके यूनिफॉर्म से होती है, उसके अनुशासन से होती है। और जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थान या बात करें अंग्रेजी विद्यालयों की, उस तरह से यहाँ के विद्यालय के बच्चों के साथ साथ टीचर और तमाम जो यहाँ कार्यरत हैं, पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, सभी वेल डिसिप्लिन हैं और पूरे यूनिफॉर्म में हैं, एक जो उनका यूनिफॉर्म है और जो इस तरह से होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, और हमें लगता है कि आज इस विद्यालय को देख करके हमारा यह प्रयास, चूँकि यह विद्यालय लोगों के बीच जाए, तो इस विद्यालय की सोच को आप भी, जो दूसरे अन्य सरकारी विद्यालय के प्रबंधक
उस उनके प्रधानाध्यापक या शिक्षक देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, हम चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय को लेकर के जो सोच बनी हुई है, जो मनोधारणाएं बनी हुई हैं, अब इस विद्यालय को देख करके हमें लगता है शायद अब यह मनोधारणाएं बदलनी चाहिए और हमारे अन्य सरकारी विद्यालय भी बेहतर हो, हमारा यह प्रयास होगा। वेलकम ताली। गोपालगंज, नेक्स्ट बेगूसराय के बाद गोपालगंज, और ये है पंचदौरी ब्लॉक, और ये मिडिल स्कूल गहनी चकिया सीतामढ़ी। नेक्स्ट बागपट्टी ब्लॉक, और ये है मिडिल स्कूल मधुबन। मिडिल स्कूल मधुबन के बाद पुनः सीतामढ़ी, और ये है डुमरा ब्लॉक। आज आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा के बच्चों के लिए कुछ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें 1-8 के स्टूडेंट को कहा गया था कि आपके अंदर जो भी कलाकारी है, आपको जो कुछ भी बनाने आता है, चाहे आपको मिट्टी की कलाकारी आती है, चाहे आपको पेंटिंग आता है, चाहे आपको पूरे तरीके से कुछ बनाने आता है, आप घर से बना करके लाए और यहाँ पर प्रदर्शित करें, और शायद हम सभी को दिख रहा है कि चार बच्चे जो हैं वो कुछ कुछ बना करके लाए हैं, एक पेंटिंग बना करके लाए हैं, एक मिट्टी से गणेश भगवान बना करके लाए हैं, इधर एक है यह मिट्टी से ही हमारा नेशनल बर्ड मोर बना करके लाए हैं, और एक थर्मोकोल से घर बना करके लाए हैं, और इनकी कलाकारी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चारों ने अपना दिल दिमाग मेहनत हर चीज अपने प्रदर्शन में लगाया है, तो इन चारों को कल हमारे
विद्यालय में जो दीक्षांत समारोह होने जा रहा है वर्ग एक के लिए, उसमें इन चारों को हम मेडल देकर के सम्मानित करेंगे। तो एक बार आप लोग इनके लिए ताली बजाएं। अब यहाँ खुद बताएंगे कि यह क्या बनाए हैं। तो एक एक करके हम सभी के पास जाएंगे और ये अपने प्रदर्शन को खुद प्रदर्शित करेंगे कि यह क्या बनाकर के लाए। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं क्लास 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना है। आज मैं जल जीवन हरियाली के ऊपर पेंटिंग बना के लाई हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी कुमारी, मैं वर्ष 6 में पढ़ती हूँ। मैं मिट्टी के मूर्ति से एक गणेश जी बना के लाई। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है, मैं आदर्श मध्य विद्यालय पढ़ता हूँ। आज मैं हमारे विद्यालय में जो प्रतियोगिता है उसमें मैं नेशनल अवार्ड बनाया हूँ पिकॉप। चलिए, दिलशाद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिक कुमार है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं आज थर्मोकोल का घर बना के लाया। चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार से महंगे सैनिटरी पैड खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के अभिभावक जो होते हैं वो ज़्यादातर किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं। तो इसीलिए मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने लड़कियों को घर में उपलब्ध जो सूती का कपड़ा होता है उससे उन्हें सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए, जिसे आज हमारी बच्चियाँ बना भी रही हैं। तो चलिए, आइए देखते हैं कि हमारी बच्चियाँ किस तरह से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। Yeah.
हमने देखा कि हमारी बच्चियां जो हैं किस तरह से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। तो अब आइए हम बाद में देखते हैं कि हमारी लड़कियां कितना सैनिटरी नैपकिन बना पाती हैं। धन्यवाद।